इस बात आ गए भाई, एक लड़की बेचारी घर बैठी हुई है, तुमने उसकी माँ कत्ल कर दी, तुमने उसका बाप कत्ल कर दिया, तुमने उसकी बहन बच्चों की माँ कत्ल कर दी, तुम कह रहे हो नाजिश ने मुझे जज्बात दिलवाए। कितने बंदे मरवाए नाजिश ने तुमसे? तीन मरवाए। किससे? किस तरह? किस तरह? उसने कहा था मेरी माँ को कत्ल करो? हाँ, उन्होंने कहा था। अगर उसने कहा था कि मैं कराची में था उस टाइम पे, उसने कहा कि एक जो है ना दूसरा मर्डर कर दो मेरे कहने पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, किसको करना बताओ मुझे, ठीक है। इन्होंने फिर अपने बहनोई का मुझे नाम दिया, मुझे कहती है इसको कर। पानी वाली पिस्टल थी तुम्हारे पास, हंसी किस बात की आ रही है तुम्हें? हज करके खड़े हो तुम यहाँ पे हथकड़ी लगा के? तुम पुलिस की हिरासत में हो, 100 सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में मुझसे हथकड़ी में मुस्कुरा रहे? क्या मतलब है इन हरकतों का? क्या कहना क्या चाह रही है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज? मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुलजिम से डिटेल के साथ ये सारा केस क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम इससे जानते हैं। पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम पूरा मोहसिन अली नाम है। मोहसिन अली जी। मोहसिन कितनी उम्र है? 24-25। क्या करते हो? दूध का काम करते। कहाँ पे? गुजर हो? फिर कैसे दूध का काम करते हो? जट बरादरी से ताल्लुक है। तो ये दूध का काम कब से करते हो? 8-10 साल। इसके साथ साथ और क्या करते हो? और कुछ भी नहीं। बहुत कुछ करते हो? और मैं कुछ भी नहीं करता। पूरा गांव बताता है? क्या गांव बताता? जो कुछ आप करते हो, क्या कुछ करते हो वो बताओ। ये गोलियां शोलियां चलानी, ये बदमाशी करनी, ये क्या मामला है? नहीं, बदमाशी मैंने तो नहीं की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जो है ना इसी पिस्टल से 10 फायर किए, ठीक है। ना मैंने आज तक पहले कभी लिया और ना मैंने कभी रखा। अच्छा, 10 फायर कहाँ किए? 10 फायर इसी के अंदर, इसी के साथ, ठीक है। इसी केस में? इसी के साथ। क्यों? पहले आज तक मैंने कभी भी नहीं किया था। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने मुझे तंग इतना किया हुआ। क्या तंग किया था? इन्होंने तंग इतना किया हुआ था। इनके अंदर पहले हमारी रिश्तेदारी थी, ठीक है। इनके हमारे रिश्ता हुआ था बिल्कुल। कौन सा रिश्ता? तुम्हारे लिए जो मांगा हुआ था? जी मांगा हुआ था, मंगनी हुई हुई थी। लेकिन बाद में ये कहते हैं कि हमने नहीं देना। मैंने बोला वजह बताओ, वजह क्या? वजह कहते हैं पहले लड़की ने मुझसे पिज्जा मंगवाया एक दिन, ठीक है। पिज्जा मैं बाहर रख के चला गया, उससे मेरा रास्ता नहीं हुआ। कहाँ रख के चले गए? बाहर दरवाजे के आगे। अच्छा। और उससे पहले मेरे को इन्होंने 2-3 दफा बुलवाया। अच्छा। एक दफा मैं आया नादिश ने, नादिश जिससे रिश्ता होना था जी। अच्छा, उसने आपको कहाँ बुलवाया? अपने घर पे बुलवाया, गेट के आगे। कैसे? फोन करके? जी फोन करके। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मुझे देखना है, एक दिन मेरे मामू की शादी थी, उस दिन बुलवाया था। मैंने बोला मैं यहाँ पे, कहते आ जा। उसके पहले मुझे थे इन्होंने जो है ना शवारमा मंगवाया था। अच्छा, किसी बात को एकदम मुझे पता और नॉलेज को पता। ठीक है। और एक दफा पिज्जा मंगवाया, एक दफा शवारमा मंगवाया, और एक दफा मुझे खुद इन्होंने मिलने के लिए बुलवाया। इन्होंने नादेश ने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे देखना है, आ जा। ठीक है, फिर तुम चले गए, दीदार करा दिया। हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर हमारी मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये सब कुछ, यानी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? जी पसंद करते थे। ये 4 साल से जो है ना आपस में बातचीत चल रही। वैसे ये बात दुरुस्त है किसी लड़की के साथ बाहर बाहर गपशप लगाना? तो ये पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है, तो तुमने भी यही चलाना है? नहीं, मैंने क्यों ये तो तुम तो चला रहे हो। नहीं, मैंने तुम कह रहे हो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो मैंने भी यही काम चलाना है। हर जगह ये चल रहा है, तो तुमने भी करना है। क्योंकि मुझे इसके साथ शादी करनी। वो लोग भी कत्ल हुए, तुम क्यों नहीं हुए? पूरे पाकिस्तान में कत्ल वगैरह चल रही है, तो तुम्हें भी कत्ल हो जाना चाहिए। ये जज्बात जो है ना सारे नाजिश ने दिलवाए हुए मुझे। कौन से? ये जो दिलवाए हुए। कितने बंदे मरवाए नाजिश ने तुमसे? 3 मरवाए। किससे? किस तरह? किस तरह? उसने कहा था मेरी माँ को कत्ल करो? हाँ, उन्होंने कहा था अगर मेरे साथ शादी की छत से चढ़ के नीचे छलांग मारो, मार देना। मैं मार दूंगा। मार दूंगा? तो इधर क्या कर रहे हो? इसे कहो इश्क बहुत सवार है तुम्हारे ऊपर। हाँ, किसी की बहन के बेटी को बदनाम करना, जलील करना बहुत आसान है। मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, किसी किस्म का मैंने बदनाम नहीं किया है। तुम किसी की बहन बेटी को टीवी पे बैठ के जलील कर रहे हो कि मेरा 4 साल से उसके साथ ताल्लुक था और उसी की माँ को कत्ल कर दिया तुमने। 4 साल से तुम्हारे मामला चल रहे थे उसके साथ, पहल तुम्हारी तरफ से थी, उसकी तरफ से? उन्हीं के नंबर से मुझे फोन आया, मैंने उनका नाजिश की तरफ से आई थी। ठीक है, नंबर से फोन आया, फिर मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? 4 साल गुजर गए, फिर उसके बाद? 4 साल गुजर गए। हाँ। 4 साल इतनी जल्दी कैसे गुजर? कैसे गुजार रहे हैं 4 साल? नहीं, इतनी जल्दी तो गुजरे नहीं है। कैसे गुजारना चाहते हो 4 साल? नहीं, इतनी जल्दी तो गुजरे नहीं है 4 साल। इतनी जल्दी गुजरते हैं 4 साल? ये तो पहले की बातें, और उसके बाद हमारी मंगनी जब हुई, ये हाँ। मंगनी के बाद ये सारा सिस्टम हुआ। कौन सा सिस्टम? ये जो इन्होंने करवाया सब। इन्होंने करवाया? ये नाजुक नहीं करवाया। क्या ये सारे जज्बात जो है ना मुझे नाजुक में दिए? क्या
क्या कहा था उसने, यही पूछ रहे हो ना क्या कहा था? इससे पहले मुझे कैसे जज्बात आ गए भाई? एक लड़की बेचारी घर बैठी हुई है, तुमने उसकी माँ कत्ल कर दी, तुमने उसका बाप कत्ल कर दिया, तुमने उसकी बहन बच्चों की माँ कत्ल कर दी, तुम कह रहे हो नाजिश ने मुझे जज्बात दिलवाए थे। भाई कौन से जज्बात है जो अंदर निकल निकल के गिरते हैं तुम्हारे जज्बात? क्योंकि उसने मुझे कहा था फर्ज करो अगर मुझे ये नहीं करते तो फिर तुम क्या करोगे? नाजिश ने कहा था? हाँ, मैं बोला ऐसे कैसे नहीं करते, कोई वजह बोलती, कोई वजह नहीं बोलती, फिर हटाना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसे अगर तू मेरे रास्ते से आया तो ठीक है फिर मैं हटा दूंगा। इससे पहले भी मुझे नाजिश ने कहा था कि मैं कराची में था उस टाइम पे, उसने कहा कि एक जो है ना दूसरा मर्डर कर दो मेरे कहने पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है किसको करना बताओ मुझे, ठीक है। इन्होंने फिर अपने बहनोई का मुझे नाम दिया, मुझे कहती है इसको करना। अच्छा पुलिस को बता देते तुम आगे ये औरत मुझसे कत्ल करवा रही है। और इसके बाद सारी सारी रात मेरे साथ रोमांस बातें करती रहती थी, ठीक है। यहाँ तक इसने मुझसे पूछ के पहनना है किसका मुझे इस बात का जवाब दो कि नाजिश की तकलीफ कोई डिफरेंट अल्लाह ने की थी, बाकी लड़कियां वैसी नहीं होती। उसके अलावा कोई और अच्छी नहीं, उसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छी नहीं लगती थी, ये फॉल्ट तुम्हारा है नाजिश का नहीं। तुम्हें अच्छी लगती थी ना, किसी ने गन तो नहीं ना रखी थी तुम्हारे कान पे कि भाई इसके अलावा नहीं कहीं शादी करनी, तुम्हें अच्छी लगती थी नाजिश? ये बात उनसे मैंने भी कही थी, मैंने बोला देखो अगर तुम्हारा रजामंदी नहीं है ठीक है तो मैं जो है ना पीछे हट जाता हूँ, ठीक है। कहती है नहीं आप अम्मी अब्बू को राजी करो, ठीक है उनको राजी करो, मैं राजी राजी हूँ। जब वहाँ पर जाकर तुम लोग बातचीत अपनी पक्की करके आए हो रिश्ते के हवाले से, तो पहले आपस में कुछ डीलिंग करके कुछ तय करके गए हो या ले जाके सामान रख लिया कि भाई आपकी लड़की हमारे नाम हुई? मैंने तो ऐसा सुना है कि ऐसा हुआ। नहीं ऐसा जबरदस्ती गए हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जबरदस्ती, ऐसे कैसे निकाह भी हो जाते हैं, निकाह टूट भी जाते हैं, कत्ल औरत वाला क्या किस्सा है? सुना है ना मंगनी हुई मंगनी टूट गई, सुना होगा ना 25-30 साल के हो तुम, सुना है ना मंगनियां टूट जाती है, निकाह हो जाते हैं निकाह भी टूट जाते हैं, तो कौन सी क्यामत आ गई थी भाई? पूरा खानदान ही उड़ा दिया। शराब पी हुई थी? नहीं, नशा किया हुआ था? नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता, सिगरेट तक नहीं। उस दिन क्या करने गए थे उनके घर? उस दिन भी यही करने गए थे जो हो गया सो है। ठीक है, यानी आप सुलह सफाई की नियत से वहाँ गए थे कि जो पहले हो चुका वो खत्म करें, आगे अच्छे तरीके से रिश्ते को लेकर चलते हैं, ये करने गए थे? तो पिस्टल लगा कर गए थे ये करने के लिए? क्योंकि इन्होंने पहले मुझे काफी दफा धमकी दी थी। मैं अपनी से तुम तो कह रहे हो कि मैं बात को खत्म करने के लिए गया था। नहीं, बात को खत्म करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि इन्होंने मुझे काफी दफा पहले धमकी दी थी, इस वजह से क्या धमकी दी थी? अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गए थे, क्या धमकी दी थी? ये इधर नहीं आया कर, ये इधर आया तो चांद चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर चांद तुमने चढ़ा दिया? चांद तो तुमने चढ़ा दिया, जो सामने आया तुमने फायर मारे, जो सामने आया तुमने फायर मारे। क्यों भाई, छर्रे वाली गन थी तुम्हारे पास, वो पानी वाली पिस्टल थी तुम्हारे पास, हंसी किस बात की आ रही है तुम्हें? हज करके खड़े हो तुम यहाँ पे हथकड़ी लगा के, तुम पुलिस की हिरासत में हो, 100 सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में मुझसे हथकड़ी में मुस्कुरा रहे, क्या मतलब है इन हरकतों का? क्या कहना क्या चाह रही है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज? कहीं तुम मुस्कुराने लग जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता पुलिस से? तुम तीन कत्ल करके खड़े हुए हो, तुम मुस्कुरा रहे हो आगे से, तुम तो सुलह करने के लिए वहां पे गए थे, तुमने जाके बंदे कत्ल करने शुरू कर दिए, कितनी कितनी गोलियां मारी हैं एक एक को? एक एक लगी है। फिर उसके बाद कितने लोग लेकर गए थे साथ जब गए उनके घर? मैं अकेला था और मेरी वालदा थी सर। बस दो लोग थे? तो वालदा ने मना नहीं किया तुम्हें? किया था, वालदा को इस बात के इल्म में नहीं था, उसके पास वालदा को नहीं पता था? नहीं। छुपा के लेकर गए थे? मैंने तो ऐसा सुना है कि वालदा तुम्हारी तुम्हें कह रही थी कि मार दो सबको, पाइप का को किसी बात को पता ही नहीं है वालदा को। अब मुझे ये बताओ जो हुआ है वो सही हुआ है गलत हुआ है? अब रिश्ता वहां कैसे होगा जिनके पीछे तुमने तीन बंदे खामी है, अब रिश्ता हो जाएगा तुम्हारा नाजिश से? जवाब दो मेरी बात का, अब रिश्ता हो जाएगा? जो इश्क सवार है तुम्हें कि मुझे उसने कहा था मुझे इसके अलावा कोई अच्छी नहीं लगती थी, वो तुमसे पूछ के हर काम करती थी, अब वो लड़की तुम्हें कबूल कर लेगी जिसके माँ बाप को तुमने कत्ल किया? करेगी कबूल? कोई कमिटमेंट हुई थी आपस में? नहीं, कत्ल से पहले ये कमिटमेंट हुई थी कि तुम इनको कत्ल कर दो फिर हम करेंगे रिश्ता?
कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी ऐसी। ये बात मैंने उनसे कही थी, अगर मेरे भी रास्ते में अगर किसी ने टांग अटैक करके मार पड़ा। जो कत्ल किए, तीन कत्ल किए, नाजिश से शादी के लिए तुमने कत्ल किए, उसकी माँ का क्या कसूर था? मैडम वही मान नहीं रही थी, बार बार पहले माने हुए थे। हाँ। तो लेकिन फिर बाद में जो है ना वही मान नहीं रही थी। ठीक है, उसके बाप का क्या कसूर था? वो उनका बाप जो है उनकी माँ के ऊपर छोड़ रहा था पते के वो करना है जो करना है उन्होंने करना है। उनकी बहन का क्या कसूर था जो बच्चों की माँ थी, जिसके बच्चों को तुमने मस्कीन किया है, उस औरत का क्या कसूर था? वो तो अपने घर वाली थी। वो उनकी बात जो सारे मछली उनके साथ करके कतल करके मैं अपने गाँव की तरफ ही भागू, आगे से जाके मैं गैर गाँव में ना उस तरफ, फिर वहां से मुझे आवाम ने पकड़ा। कैसे गिरफ्त में आ गए? वहां चारों तरफ से आ गए। फिर तुम फाइल करने से बाज नहीं आ रहे? नहीं, मैंने कही थी आखिरी फाइट तुमने गुस्से में आके सड़क पे रोड पे किया है, फिर उसके बाद तुमने राइफल नीचे फेंकी है, पिस्टल थी, राइफल थी, क्या था? मैडम मेरे पास पिस्टल था और मैंने फैर जो चार ही किए थे वो इनके घर के पास ही किए थे, बाकी पांच का फैर मैंने नहीं किया। क्यों भाई जेम्स बॉन्ड हो? क्या हो फिर तुम? बड़ा दिल जिगरा चाहिए किसी इंसान को कत्ल करने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा? ये कौन सा गुस्सा था भाई जो रिश्ते से इनकार पर हो गया था? फिर तुम फजूल किस्म की बकवास कर रहे हो वीडियो के अंदर के लड़की मुझसे ये कलर पूछ के पहनती थी। भाई मोहब्बत के पीछे तो लोग कहते हैं कि मैं कत्ल हो जाऊंगा अपनी होने वाली बीवी या अपनी मोहब्बत का नाम ही लूंगा, तुम बैठ के उसकी बातें बता रहे हो टीवी पे, ये कैसी सिंसियरिटी? सारा ये करवाए उन्होंने तो फिर मैं इधर क्या कर सकता हूं? तो फिर तुमने क्यों पसंद की ऐसी लड़की? फिर काहे की मोहब्बत और काहे का इश्क? बताओ उस लड़की के तुम जिस्म के कौन से हिस्से गिन रहे हो इस वीडियो में? बताओ बताओ मुझे। उन्होंने नहीं गिनवाए, तुम कलर बता रहे हो खड़े होके, तुम कलर बता रहे हो कि वो इस कलर से ये चीज इस्तेमाल करती थी। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? 600 बंदा बैठा हुआ है इस कमरे में जो सुन रहा है तुम्हारी गुफ्तगू, और उसके बाद टीवी पे हजारों लोग सुनेंगे। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? अगर मोहब्बत थी तुम्हें तो